Hi, this is Anand Suryavanshi. मैंने पूरा विश्व देखा और ये शो एक बहुत ही खास दोस्त का है निवेदिता बासु तो उसे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और ऑफ कोर्स दो दिग्गज कलाकार हैं जरीना वहाब है दीप्ति नवल जी है दोनों बहुत ही इस्टेब्लिश एक्ट्रेसेस है तो उन्हें पहली बार मैं स्क्रीन पर देखकर मतलब टीवी पे उनका ये पहला शो है मेरे ख्याल से सो आई एम वेरी एक्साइटेड तो उन्हें देखने आया हूँ शो का कॉन्सेप्ट अच्छा है और इसलिए आई थिंक इट वॉज अ गुड फर्स्ट एपिसोड ग्रिपिंग है वेरी वेल शॉट जो डीओपी है और जो डायरेक्टर है उन्हें मैं दाद देना चाहूँगा बहुत अच्छा काम किया है सारे एक्टर्स भानु पल्लवी जोशी ऑल सीनियर एक्टर्स एंड आई लव्ड वॉचिंग देम वेल फिलहाल तो सिर्फ एक ही चीज़ की तैयारी चल रही है BCL की जो कलर्स पे आ रहा है और इनफैक्ट बस यहाँ से अभी मैं निकल के सीधा वहीं जा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए मेरी टीम वहाँ इंतज़ार कर रही है और मैदान पे मिलते हैं क्रिकेट तो मेरा पैशन है अगर मैं शायद एक्टर नहीं होता तो क्रिकेटर होता तो मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ करण की बात करें के बारे में क्या कहना वेल अभी तो करण बड़ा हो चुका है पाल पोस के मैंने बड़ा कर दिया है अधिरथ ने तो अब ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ और जो कहानी जो थी करण की या महाभारत की इस वक्त उसी की शूटिंग चल रही है आगे अगर कुछ होगा तो देखा जाएगा थैंक यू निवेदिता बासु और थैंक यू सो मच आप मेरी आवाज़ ही पहचाने की स्क्रीनिंग पे आए हैं किस तरह का शो है ये शो है दो बहनों के ऊपर जो म्यूज़िक पे बेस्ड है और जैसा कि आप लोग ने देखा लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि टेलीविज़न पे ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा है जहाँ पे हमने फिल्म की तरह इसको शूट किया है सारे बड़े फिल्म एक्टर्स को लेकर आए हैं और उम्मीद है कि ये शो रेटिंग्स में भी अच्छा परफॉर्म करे देखिए बचपन में हमारे साथ थी जन्नत और मैनाज पल्लवी जी हैं जो उनकी माँ का रोल अदा कर रही हैं भानुदय हैं जो उनके पिताजी का रोल कर रहे हैं अमृता सिंह और अदिति वासुदेव अमृता राव और अदिति वासुदेव हैं वो जो मिडिल एज उनका प्ले कर रही हैं और उन्हीं का सीनियर जो कैरेक्टर है वो दीप्ति नवल और जरीना जी प्ले कर रही हैं मुझे लगता है कि आजकल की पब्लिक कुछ डिफरेंट सैम्पल करना चाह रही है बिकॉज अब ट्रेंड्स बदल रहे हैं और अगर ये मतलब ऐसा हमने कुछ अलग नहीं बनाया जो हाउसवाइफ नहीं देख सकती हैं म्यूज़िक के ऊपर बेस्ड है दो बहनों की राइवलरी के ऊपर बेस्ड है और जहाँ तक मुझे उम्मीद है इस पेस के साथ ये शो अच्छा चलना चाहिए जैसे म्यूजिक से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं पाकिस्तान से कुछ लोग एंट्री मारेंगे इसमें जी नहीं अभी तक तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया है सलमा जी हैं यहाँ पे हमारे शो में बट हमने पाकिस्तान का बेस ऐसा सच कुछ रख के नहीं किया अभी आप डायरेक्शन में प्रोडक्शन में भी मैं प्रोड्यूसर हूँ शो की मेरी आवाज़ ही पहचान है कि ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट प्रोडक्शन था मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती थी तो मैं चाहती थी कि मैं काफ़ी हैंड्स ऑन उसमें रहूँ चैनल का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है मेरे साथ मेरी टीम ब्रिलियंट रही है इनफैक्ट पहली बार मैंने अपना जो रोल अदा किया एज अ प्रोड्यूसर किया क्योंकि मैं खुद क्रिएटिव डायरेक्टर रह चुकी हूँ मैंने बहुत अपने आप को दूर रखा है क्रिएटिव डायरेक्शन से और चाहा है कि मैं लोगों को आगे फोर फ्रंट में लाऊँ और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया मैं बहुत ही खुश हूँ BCL कोलकाता टीम की मालिक हैं आप कैसी तैयारी चल रही है देखिए मतलब ये ऐसा टाइम है कि मेरा शो मेरी आवाज़ ही पहचान है अभी लॉन्च हो रहा है और BCL भी एकता का लॉन्च हुआ है कलकत्ता जो टीम है मैं खुद कलकत्ता से बिलोंग करती हूँ मेरी टीम कोलकाता बाबू शायद बहुत ही अच्छी टीम है हम लोग सब दोस्त हैं मेरे साथ सब लोग बालाजी में काम कर चुके हैं काफ़ी एंथुजियास्टिक और चार्ज्ड अप लोग हैं चाहते हैं हम लोग ये सीरीज़ जीतें तो दोनों दोनों मैं गेम्स में डैबल कर रही हूँ एक तरफ प्रोड्यूसर बन रही हूँ एक तरफ खुद क्रिकेट खेल रही हूँ उम्मीद है कि आप लोग का सपोर्ट हम लोग के साथ रहे और कोलकाता बाबू मोशा या BCL में जीते कोलकाता की टीम के लिए जो मेन बॉलर होती है वो आप ही हमेशा दादी हैं और लास्ट ईयर बहुत अच्छी पोजीशन में लाए हैं किसी फीमेल को प्राइजेस मिले हैं तो वो आप रही हैं मैक्सिमम प्राइज लेने वाली तो उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या पहले आप क्रिकेट खेल चुकी हैं एक्चुअली काफ़ी सरप्राइजिंग बात है कि मैं क्रिकेट ही एक ऐसा गेम है जहाँ पे नहीं खेली हूँ बट मैंने फॉलो पूरी ज़िंदगी करा है पर मैं गेम्स में रह चुकी हूँ मैं स्कूल की स्पोर्ट्स कैप्टन थी और मेरे में बहुत वो कम्पेटिटिव स्पिरिट है मतलब अगर लड़का प्ले करा तो मैं ही नहीं चाहती कि वो लड़का बोले अरे लड़की को हटाओ तो मैं लड़कों के पार में ही रहना चाहती थी इनफैक्ट अभी भी मैं ही ओपन करी हूँ इनफैक्ट
एक लड़कों और लड़कियों के गेम में मैं फर्स्ट ओवर ओपन कर रही हूँ इस सीरीज़ में अपने टीम की तरफ से. सो आई थिंक मैं उतना प्रैक्टिस और उतना हार्डवर्क डाल देती हूँ कि लोगों को मेरे पे ट्रस्ट है कि वो मुझे ओपन करने दें, और उम्मीद है कि इस साल भी मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूँ एज अ क्रिकेटर. लोकेशन के बारे में कहना चाहें तो बहुत ही यूनिक लोकेशन पहली बार कभी सीरियल में देखा जाएगा, उस लोकेशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली जो वाई जगह है वहाँ पर मैंने पहले सुना था बहुत पिक्चरें शूट की, मैं एसोसिएट डायरेक्टर थी पिक्चर की जिसका नाम था ज़िला गाज़ियाबाद. तो जब हम वाई में थे मैं 120 दिन वहाँ पे रही थी, मेरे को तब से एक मन था कि मैं कुछ शो यहाँ पे करूँ. अभी ऐसा कॉन्सेप्ट आया मेरी आवाज़ जहाँ पे एक कॉन्सेप्ट महाराष्ट्र में बेस्ड था, इसलिए मैंने कहा कि ये अच्छा मौका है मुझे वापस वाई जाने का. बहुत ही प्रोडक्शन फ्रेंडली जगह है, बॉम्बे के पास है, तो कन्वीनियंस भी था हमारा एक्टर्स को लाने जाने का, और इतने रियल लोकेशंस हैं. मतलब इस शो का कॉन्सेप्ट और यूएसपी ये है कि इस शो में कोई सेट नहीं यूज़ किया जाएगा, सारे रियल लोकेशंस पे शूट होगा मेरी आवाज़ ही पहचान है. थैंक यू.